नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां किसान आंदोलन के 27वें दिन NH9 को किसानों ने दोनों तरफ से किया बंद। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंदोलनरत किसानों को जबरन रोके जाने के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली यूपी गेट पर दोनों तरफ से किसानों ने NH9 को ब्लॉक कर दिया है। किसानों का कहना है कि उनके कार्यकर्ता जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आना चाहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस जबरन रोक रही है। इस कारण हमने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। सबसे अनुरोध करता हूँ तो एक आदमी उठ जाए ना। ये तो रोज ही चलना है। मेरी सेरे करना हुई है रामपुर से। उन्हें बारे मैं नौजवान ना नुसान करता, धन्यवाद करता कि जेड़े जो उन्होंने खबर मिली वो पूरी रात सुते नहीं। सेवा करें यहाँ। देखिए ये हमने ही सब कुछ करना है। वन प्लस वन प्लस सेम टॉप। इसके काम के लिए कोई और नहीं आएगा। अनुरोध है मेरा सभी से। सिंह है जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। और रोड बंद करने का हाँ कारण यह है कि कल DM साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सबके सामने आश्वासन दिया था कि आपकी हर एक बात मानी जाएगी, जो भी आपकी ट्रॉलिंग है। वैसे मैं दसुआ उच्ची बस्सी से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो पंजाब वाले हैं वो ज़्यादातर सिंघू बॉर्डर पर जाते हैं, लेकिन हमको ये पता चला कि इस बॉर्डर पर लोग कम आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उधर से सारा अपना जो भी आदमी थे अपने पंजाब से आए वो हम सबको लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हमने इनका साथ देना, हम सब भाई भाई हैं। हमारा यहाँ कोई भी उधर काफ़ी ट्रालियाँ रोकी गई थी और उनको जैसे सर बोर्ड से पंचर किए गए, उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, पुलिस को घरों में बिठा दिया जाता है कि कोई भी किसान घर से बाहर ना निकले। यहाँ पर DM साहब कुछ बोलते हैं कि किसी को रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाया जाएगा। यही कारण था कि कल DM साहब ने आश्वासन दिया था कि आपकी किसी भी ट्रॉली को किसी को रोका नहीं जाएगा, लेकिन आज उन्होंने रोक दिया है। रात को ही रोक दिया था, जिसके कारण हमको ये दोबारा ये करना पड़ा। अगर वो यहाँ पर बैठेंगे आप, जब तक हम पहली बात तो हम इस सरकार के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि बयान यहाँ कुछ और देते हैं, शाम को बयान बदली हो जाते अगर हैं। ट्रालियां छोड़ दी जाती हैं तो अगला कदम तो क्या होगा? अगर ट्रालियां छोड़ दी जाती है तो यहाँ पर संघर्ष हमारा और तेज होगा, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। नहीं, ये रोड नहीं खोला जाएगा। ये फैसला हमारे लीडर्स ही करेंगे। दिलबाग सिंह उत्तराखंड। हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई यहाँ पर धरने पर बैठे हैं इतने दिनों से, 25 दिनों से, 26 दिनों से, अगर कोई भी यहाँ से मौतें होती, चाहे कोई ठंड की वजह से होती, चाहे कोई आत्महत्या करता, कोई बीमार होकर मरता, उनकी सबकी जिम्मेदार जो सरकार होएगी जी। उन जितनी भी मौतें हो रही उनकी जिम्मेदार सरकार होएगी। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्यों जाम किया है ये हाईवे? हमारी 25 ट्रालियां जब हम कल धरने दे चुके थे भी हमारी कोई भी ट्रालियां यहाँ पर रोकी ना जाए, तो आज हमारी 25 ट्रालियां फिर उनकी हवा भी निकाली गई, हमारे रोक रखी है पीछे, पीलीभीत से चली हुई है, तो वो हमारी ट्रालियां यहाँ पर पहुंच जाए तो हम रोड खोल देंगे। तो अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई आप लोगों की? SDM साहब आए थे, वो अभी यहाँ से बात सुनकर गए, उनका हम बात कर वहाँ पर पहुंचा रहे हैं आपके, उनको ट्रालियां छोड़ी जाएंगी और रोड जब खोलेंगे। अगर ट्रालियां छोड़ दी जाती है तमाम किसान हट जाएंगे यहाँ से? कल भी हमने छोड़ दी थी, कल भी हमने रोड खोल दिया था, हमारी ट्रालियां फिर रोकी गई हैं। इतना हमारी ट्रालियां यहाँ पर नहीं पहुंचती, हम रोड नहीं खोलेंगे। अच्छा, कौन से संगठन के तत्वाधान में किया जा रहा है ये रोड बंद? नहीं, ये किसान यूनियन से। किसान यूनियन का अपना मुद्दा है, ये सब किसान है, ये किसान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है।